हम स्वाति विराट के बघेरी समाचार में अपना बचिन के स्वागत करित हैं। खबर रीवा जिला से आबल लागी, जहां कलेक्ट्रेट कार्यालय में काम करे वाली एक ठे औरत का शादी के झांसा दई के आदमी के द्वारा शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान किया जात रहा है। पीड़िता की शिकायत में पुलिस आरोपी के खिलाफ मारपीट धोखाधड़ी के मामला दर्ज कर ली सी। बताई दे कि अब मामला का पुलिस गंभीरता से ली सी और आरोपी के खिलाफ जाँच पड़ताल शुरू कर दी सी और कहा यह जांच लाग है कि जल्द आरोपी का गिरफ्तार कर लीन जाए। रीवा जिला में त्रिस्तरीय पंचायती राज के पदाधिकारी जन अधिकारी पंचायती राज संघ के गठन कीन गा है, जेखर मुख्य कार्यक्रम रीवा जिला के गगेव ब्लॉक में आयोजित कीन गा है। बताए दे कि यह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम रहे हैं। यह संगठन में पंच सरपंच जनपद सदस्य जिला पंचायत सदस्य उपाध्यक्ष और अध्यक्षन के मांग का लय के 12 बिंदुवन के मांग पत्र विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम का सौंपा गया है। आई दिखाई थे आयोजित कार्यक्रम और सुनाई थे यह मामला में जनपद अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के का कहना है। अलग अलग कोने कोने से आए हैं सब लोग आला आज हम सब ने एक संगठन का गठन किया है जिसका नाम जना अधिकार पंचायत राज संगठन है, जिसके संबंध में पंच सरपंच जनपद सदस्य जिला पंचायत सदस्य जनपद अध्यक्ष जनपद उपाध्यक्ष जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष की जो मांगे हैं वो लगभग 12-12 बिंदुओं में हमने मध्य प्रदेश के यशस्वी विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम जी को सौंपी है और यह कहा है कि ये मांगे अगर सरकार हमारी मान ले तो हम सबको काम करने में जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने में सहूलियत होगी। उन्होंने अपने उद्बोधन में हम सबको आश्वासन दिया है और कहा है कि 20 तारीख को आप सबको मुख्यमंत्री से मिलवा कर और आपकी मध्यस्थता कर आपकी मांग पूरी कराने का मैं प्रयास करूँगा। इसमें डिंडोरी मंडला जबलपुर शहडोल उमरिया अनूपपुर सभी जगह से और रीवा ज़िले के अन्य पंच सरपंच जनपद सदस्य जिला पंचायत सदस्य सभी साथी आए हुए हैं, हजारों की संख्या में जैसे आप देख रहे हैं यहाँ उपस्थित हैं और अभी इसके बाद कार्यक्रम चलना है और लगातार ये कार्यक्रम चलता रहेगा। रीवा जिला में फर्जीवाड़ा करे वाले के मेला लगा है। बताए दे कि हन को एनजीओ के नाव पर वसूली करत लाग है तो को समाज सेवा के नाव पर शासन की योजना के लाभ ले के समाज सेवा के झुंझुना थमाए रहा है। अपना पंचिन का बताए दी कि यह मामला गुड़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भय घटना का लेके है, जहां एनजीओ संचालिका अपने साथीन के साथ नेत्र शिविर लगावे पहुंची रही, जहां डॉक्टर और एनजीओ संचालिका के साथ पहुंचे लोगन के बीच मारपीट भई। बताए दे कि एक दिन पहले भई यह घटना के दुई और वीडियो वायरल होत लाग हिमा, जेमा महिला और बीएमओ कल्याण सिंह के बीच हाथापाई देखी जात लागी। हालांकि सगले मामलन के दोनों पक्ष शिकायत दर्ज कराई सी और पुलिस जांच करके आगे की कार्यवाही करे के बाद कहत लागी। आई अपना पंचे देखी वीडियो जेका देख के अनुमान लगा ले कि यह कौन मेर के समाज सेवा आए। गुंडागर्दी करने आए हैं, किसी दिन लगाने बंद करो शांति है। हाँ देखिए देखिए भैया देखिए बंद करो शांति है। हाँ देखिए देखिए भैया देखिए गुंडागर्दी करने आए हैं, किसी दिन लगाने बंद करो शांति है। हाँ देखिए देखिए भैया देखिए बंद करो शांति है। हाँ देखिए देखिए भैया एक जानकारी अभी वीडियो के माध्यम से प्रकाश में आई थी कि जो गुड़ सामुदायिक चिकित्सालय है वहाँ पे आई कैंप के लिए एनजीओ गए थे, वहाँ के जो प्रभारी डॉक्टर हैं कल्याण सिंह उनसे उनका कुछ विवाद हो गया था, इस बात का वीडियो वायरल हुआ था, उस पर संज्ञान लेकर के थाना प्रभारी गुड़ ने
अपराध पंजीबद्ध किया है। कल्याण सिंह अन्य दो के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध है वहाँ, जिसकी विवेचना की जा रही है। चिकित्सालय जो स्थानीय सामुदायिक चिकित्सालय है वहाँ के भी कर्मचारियों ने डॉक्टर साहब के माध्यम से एक आवेदन दिया है, इसकी जांच भी की जा रही है। दोनों जांच और विवेचना जारी है अभी, और जो तथ्य निकल के आएंगे जो सामने वो कार्रवाई की जाएगी। आवेदन के आधार पर सब पहली ऐसी कौन सी धारा है जो उन पर लगाई गई है, कितने लोगों पर धाराएं लगाई? जो अभी FIR जो हुई है 354 IPC की धारा में कार्रवाई की गई है, उसमें कल्याण सिंह जी और वो अन्य दो के विरुद्ध ये प्रकरण जो है वहाँ के स्थानीय जो डॉक्टर हैं उनके विरुद्ध कायम है, विवेचना चल रही है। और दूसरे में जो आवेदन अनावेदकों द्वारा दिया गया है उसमें जांच चल रही है। किसानन की समस्या का लेके कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू, ग्रामीण अध्यक्ष भगत शुक्ला के साथ पूर्व मऊगंज विधायक सुखेन सिंह बन्ना कलेक्टर मनोज पुष्प से मुलाकात की नहीं। बताई दे के कांग्रेस इन किसानन का समय पर खादी बीज और पानी के साथ साथ बिजली पर्याप्त मात्रा में दे के खातिर और एरा प्रथा पर रोक लगावे जैसन कई अठे मुद्दन पर चर्चा की गई और एक हर शीघ्र निदान के मांग की नहीं। आई सुनाई थे कांग्रेसी का कहा थे। किसान बेहद तरीके से पीड़ित है, वैसे भी दुनिया भर की कर्जदारी उनके ऊपर है, बिजली बिल्कुल नहीं मिल रही है, बिजली की मनमानी बिल भेजे जा रहे हैं, ट्रांसफार्मर महीनों महीनों दो दो महीनों से जले हुए हैं, और खाद की समस्या बनी हुई है, और खरीदी केंद्रों में किसान जा रहे हैं लाइन लगा रहे हैं, उनको जो है तो सही समय पर उनके खरीदे नहीं जा रहे हैं पैसे नहीं। इन सब तमाम मुद्दों को लेकर के हमारी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सर सभी लोग हम लोग मिल करके किसानों की पीड़ा लेकर के कलेक्टर रिवा से चर्चा करने आए थे। उनसे हम लोगों ने अपनी बात को कही है और उनको हम लोगों ने कहा है कि किसानों की समस्याओं को देखते हुए पानी बिजली जितना अधिक से अधिक उपलब्ध हो सके ये मिले, इन सब बातों को लेकर के एरा प्रथा की वजह से किसान खेती नहीं कर पा रहा, उसके लिए क्या? बिल्कुल, एरा प्रथा बहुत बड़ी समस्या है और इसकी भी चर्चा हम लोगों ने की है। उन्होंने पहले भी कुछ ऐसा कुछ किया था लेकिन अभी उसमें सही तरीके से नहीं हो पाया। आइए, मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से पानी बिजली की ज़रूरत है खेती के लिए और समस्या बनी हुई है, उससे बड़ी समस्या ये एरा प्रथा है और एरा प्रथा पर भी हम लोगों ने चर्चा की है। अब आगे देखिए, अगर इस पर निदान नहीं होता तो फिर हम लोग आगे की लड़ाई आगे बढ़ाएंगे। कई एक दिन पहले विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में स्टेडियम के पास रात के मोटरसाइकिल सवार पत्रकार सरोज तिवारी के ऊपर स्कूटी सवार बदमाश चाकू से हमला कर दिए रहा। बताई दे कि मारपीट में घायल पत्रकार का पुलिस उपचार के खातिर अस्पताल में भर्ती कराए रही, जहां प्राथमिक उपचार के बाद घायल का छुट्टी दे दी गई रही। बताई दे कि बदमाश मारपीट करके मोबाइल छीन के भाग गए रहे। सरोज तिवारी के कहना है कि चुनावी रंजिश के कारण उन्हें के गांव के लोगों के द्वारा उनके ऊपर हमला करावा गया रहा है। आइए अपना पंचन का सुनाई थे पीड़ित सरोज तिवारी पूरा मामला का लेके का कहला है और के ऊपर आरोप लगावत ला है। मारपीट लूट हुई है, क्या पूरा मामला था, क्या लूट ले गए और कौन व्यक्ति हो सकते हैं? ये हमें शंका है कि हमारी जो है तो इससे पहले हमारी गाड़ी चोरी चली गई थी गांव से, तो उसी से जुड़ा वारदात ये लगता है, क्योंकि उनको जिनको जिन पर हमें शंका है उन्हें ये डर था कि हमारा नाम सामने आ जाएगा, गाड़ी मिलने के बाद जो चोर पकड़ा गया शायद खुलासे के डर से वो लोग हमारे ऊपर ये हमला किए हैं और उनको ये डर था कि सामने आएगा तो थोड़ा उनको लग रहा होगा कि हमारी। कौन लोग हो सकते हैं जिनको आपको शंका है? गांव के ही लोग हैं वो हमारे, और दूसरा नहीं, हमारी किसी से कोई रंजिश ही नहीं। कैसे घटना घटी, कैसे मारपीट किया आपके साथ और पुरानी घटना क्या थी जिस पर नाम आने का डर है उन लोगों को? पुरानी घटना ये थी कि हमारी गाड़ी गाँव के बगल में ही खड़ी थी, एक घर में बगल पड़ोसी के यहाँ, वहाँ से गाड़ी हमारी चोरी चली गई। कभी पहले भी खड़ी करते थे, कभी चोरी नहीं गई। चुनावी थोड़ा वो उस समय चुनाव था पंचायत का, उसका थोड़ा वो ईर्ष्या बन जाता है टेंशन, उसी के कारण मेरी गाड़ी चोरी करवाई गई। चोरी गई नहीं, चोरी करवाई गई, क्योंकि जो व्यक्ति पकड़ा गया है वो उसका 60 किलोमीटर कैसे, मतलब हमारे उसका कोई वही नहीं है, जानकारी नहीं कि कहाँ से तिवारी जी अभी आ रहे हैं, गाड़ी खड़ी कर दिए, चोर आ गया ले गया, ऐसा कोई बात नहीं है।
ये गाड़ी चोरी से ही इंटेंशन पैदा। कहाँ मिली गाड़ी और क्यों शंका है कि गांव के लोग उन्हें ही मरवाया होगा? अब गांव हमारा जो हमारे गांव से गाड़ी मऊगंज थाने में मिली जाके, तो हमें ये है कि शंका कि मऊगंज कैसे पहुंच गई गाड़ी। अगर मऊगंज से हमारा उससे क्या कोई परिचय हो, पुलिस पता लगाए कौन व्यक्ति है जो पकड़ा गया था? साकेत है, प्रांजल साकेत उसका नाम है, प्रांजल उर्फ राज ऐसे कुछ नाम है उसका। क्या लगता है कि आपके जो पड़ोसी थे जिनसे विवाद था उन्होंने चुरवाया उसको बेच दिया? हाँ हाँ बिल्कुल। तो पुलिस ने खुलासा नहीं किया, उससे पूछताछ नहीं किया कि किससे गाड़ी खरीदा था या कोई चुराया था? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, मनगवा पुलिस तो नथिंग थी, कहीं भी उसने सहयोग मेरा नहीं किया। कौन लोग हैं, नाम कुछ है उनका जिन पर आपको शंका होगी? कौन शंका है उसको बताए थे, संजय तिवारी है एक, और एक सत्यम है, सत्यम तिवारी, एक आदर्श दुबे करके है, एक विवेक शुक्ला है, एक रोहित शुक्ला है, ये इनकी गैंग है। मैं ये नहीं कहता कि मैं अपने, ये वारदात करते हैं, पुलिस इनको जानती भी है, अगर पुलिस सच्चाई का है, ये मतलब नशे से भी जुड़े काम करते हैं ये कई। कैसे आपके साथ मारपीट किया और चाकू मार दिया आपको यहाँ? चाकू अब ऐसे कि हम जा रहे थे, प्रेस से आए और प्रेस से जा रहे थे। बारात के रॉकेट से ट्रांसपोर्ट नगर में भयानक आगजनी की घटना भई। ये घटना में 4 ट्रेलर सहित कई अठे दुकान जल के राख हो गई है। बताई दे कि सिविल लाइन थाना के अंदर ट्रांसपोर्ट नगर में सड़क से बारात जात रही। बारात के रॉकेट से ट्रांसपोर्ट नगर में गुरु नाम के क्रेन सर्विस के खड़ी गाड़ी में आगी पकड़ ली, जिमन लाखन रुपया के नुकसान भा है। बताई दे कि यह घटना में कई दुकानन में आगी पहुंच गई रही, जेके बाद आसपास के लोगन के द्वारा पुलिस का सूचना दी गई रही। जहां मौका पर पहुंची पुलिस फायर ब्रिगेड के मदद से आगी पर काबू पाई सी, जहां लगभग 10 फायर ब्रिगेड आगी बुझावे में लगी रही है। आज खातिर इतने। बघेरी में बिंदी के समाचार देखे खातिर बने रही विराट के साथ।